Assalamualaikum guys, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भैया आज फिर से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेके, सो फाइनली गाइस वी आर बैक फॉर अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ऑल इन वन गेमर का जो चैनल था वो डिमोनिटाइज हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। तो अभी वीडियोज इसी चैनल पे आएंगी, दोबारा से ये चैनल स्टार्ट कर दिया हमने। तो इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई इवेंट कंप्लीट नहीं किया, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे इवेंट कंप्लीट किए थे। तो जितनी वीडियो मैंने शूट की थी वो आज मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही लेकर बेल आइकॉन को ऑन कर दें कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइज, आज मैं ना एक प्यारा से गिव अवे भी करने वाला हूँ अपने दोस्तों के लिए। गिव अवे की ड्रेस मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग हमारे आज का गिव अवे कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आईडी पे बहुत ज़्यादा डायमंड्स लगा लिए हैं। तो मैंने सोचा चलो कि अपने सब्सक्राइबर के लिए भी एक 500 डायमंड्स का गिव अवे किया जाए। तो अगर आप लोगों ने हमारा 500 डायमंड का गिव अवे जीतना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लास्ट में मैं गिव अवे की डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग फिर ना गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले हमारा जो जर्सी वाला इवेंट निकल के आया है, तो इधर हमने टॉप अप कर लिया है। ऑलरेडी मैंने कुछ क्रेट्स ओपन किए थे लेकिन उसमें कम थे, मतलब कि टोकन्स कम थे, तो मैंने कहा चलो कुछ और डायमंड टॉप अप किया, तो मैंने 500 का और टॉप अप कर लिया है। और इधर फिर से लेंगे 400-500 डायमंड्स के क्रेट्स और उनको ओपन करेंगे, ऑलमोस्ट 500 डायमंड, हाँ 513 डायमंड 100 को कोपन लगाएंगे। और इधर ओपन हो चुका है, ओपन कर देते हैं कितने कितने टोकन्स मिलते हैं, लेट्स सी लक क्या बोलती है। ओ गाइस, ओ भाई साहब तीन दो दो करके निकल रहे हैं, इतनी अच्छी लक है नहीं। बहरहाल हमारी जो बंदा ज़्यादा डायमंड्स लगाता है उसको फिर थोड़े थोड़े देती है ग्रीना। सो गाइज, हमें मिल चुके हैं ऑलमोस्ट, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितने टोकन मिले हैं, लेट्स सी। ओ भाई साहब, वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, 113 मिल चुके हैं। और सबसे पहले अपना बंडल लेंगे, क्या ओपी बंडल है भाई, चिरोनो टॉप स्कोरर बंडल, क्या यार स्कोरर बंडल, रेयर आ टाइम, ओ भाई गॉड आ रेयर आइटम, क्या ओपी वाला बंडल है। और गाइज इसको बैक करेंगे और इसके बाद एक ओपी वाली शर्ट लेंगे, टी शर्ट लेंगे, कौन सी वाली, ये वाली तो ऑलमोस्ट ले लिए, येलो पसंद नहीं है, ब्लू, हाँ मेरा ब्लू फेवरेट थोड़ा सा, तो ब्लू को ले लेते हैं बिना किसी देरी के, और जाके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। और मैं आप लोगों को बंडल भी दिखाऊंगा कि बंडल कैसे दिखता है लॉबी में, लेट्स सी, अच्छा ही दिखता होगा, बहरहाल देखना होगा कि इतने सारे बंडल पड़े हुए हैं। वैसे मैं ओपन तो नहीं करता किसी बंडल को, ये भी पड़ा रहेगा ऐसे ही। सो गाइज, वैसे अच्छा लग रहा है इधर पड़ा हुआ, क्योंकि मैं समझ सकते हो। और बहरहाल जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों के, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे इवेंट कंप्लीट किए थे, लेकिन जितने इवेंट मैंने शूट किए थे तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इधर जो कि वाइट टाइगर का बंडल था, और इधर कोई डायमंड रॉयल जो कि स्नैपी नाम का, स्नैपी करके आई थिंक स्नैपी था, हाँ स्नैपी, बिल्कुल स्नैपी। और ऑलमोस्ट मेरे पास 33 डायमंड रॉयल वाउचर्स पड़े हुए हैं, सो देखते हैं कि क्या हो सकता है। 10 का स्पिन, लेट्स सी। ओ भाई साहब गोल्डन निकला है, गोल्डन निकला है, ओ भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक मिल चुका है, मिल चुका। ओ भाई साहब ये क्या यार, मतलब हद कर दी ग्रीना ने तो, आज तो हद ही कर दी यार, क्या यार कुछ अच्छा नहीं निकला, लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके। ऑलमोस्ट कितने सारे FF टोकन भी मेरे पास हो चुके हैं, अभी इसके बाद जाएंगे अपने फीडेड व्हील पे और जो 9 के स्पिन है वो करेंगे बिना किसी देरी के, देखते हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा। मिल जा सिम सिम, और मिल चुका है 9 डायमंड्स में ओपी सा वेपन रॉयल वाउचर, बहुत ही ओपी, 29 के स्पिन करेंगे क्या मिलेगा, फिर से वाउचर मिलेगा, फिर से और डायमंड रॉयल का वाउचर मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। अभी 49 के स्पिन ने क्या हो सकता है, डायमंड बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 151 डायमंड्स रह चुके हैं, और डायमंड टॉप अप करना होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन मिल चुके हैं, शूज़ बहुत ही ओपी वाले, वाइट टाइगर के शूज़, 99 के स्पिन, इसके बाद दूसरे स्पिन नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर पैसे इतने डायमंड्स पड़े नहीं है। और ओ भाई साहब मार्क्स मिल चुका है, अच्छा सा मार्क्स भी मिल चुका है, चले इसके बाद जाते हैं अपने डायमंड रॉयल पे, और ओ स्नैपी वाला बंडल निकालेंगे, हमारे पास रह चुके हैं 24 वाउचर्स, क्या है भाई, 10 स्पिन करेंगे बिना किसी देरी के, और देखते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो हो हो, गुड 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 गुड, मिल जा सिम सिम, मिल जा मिल जा मिल जा, अबे यार क्या यार सब बेकार चीज़ें मिली है,
सब बेकार। फिर से 10 के स्पिन करेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक वाउचर खत्म नहीं होंगे या डायमंड यूज करने होंगे। सो गाइस, ओ फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ भाई साहब, मिल चुका है हमें स्नैपी बंडल, गॉट अ रेयर आइटम। क्या यार, आज तो मजे हो गए यार। थैंक यू सो मच ग्रीना, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी देखते हैं क्या मिलेगा, कोई अच्छा सा। और लास्ट में बहुत ही अच्छी टॉप शॉट मिली है यार। क्या यार, फटाफट। और ऑलरेडी 1000 FF टोकन भी कम्प्लीट होने वाले मेरे। और इधर तो यार बस चलो गुड हो गया। बहरहाल स्नैपी मिल चुका है, शार्क सा कुछ ऐसा बंडल है, ओपी सा। हाँ, दिखने में तगड़ा लग रहा है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कलेक्शन में जाके। तो बंडल पे जाते हैं और सबसे ऊपर ये हमारा पूरा बंडल, मतलब कि ये फिक्स बंडल है। इसके साथ आप कोई और कोई भी मतलब के चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, ना तो आप टॉप यूज़ कर सकते हो, ना तो आप पैंट यूज़ कर सकते हो। बस अगर ये पहन लिया तो ये पूरा का पूरा शार्क लग जाएगा। सो उसके बाद गाइज आते हैं हम ओपी वाले ग्राउंड पंच फिश की तरफ। फर्स्ट स्पिन आता है 9 का। सो 9 के स्पिन कर दिया मैंने, देखता होगा कि क्या मिलेगा। ओ गाइज, मिल चुका है हमें ओपी सा क्रेट्स। सो क्रेट्स तो हमें मिल चुका ओपी वाला, लेकिन इतने डायमंड काफ़ी नहीं थे, इस वजह से मैंने ज़रा और डायमंड का टॉप अप कर लिया है। तो फिलहाल उसको छोड़ेंगे और इधर जो हमारा न्यू इवेंट निकल के आया हुआ ना, फिलहाल उसको कंप्लीट करेंगे। इसको फिलहाल छोड़ देंगे। ये जो हमारी शर्ट थी ना, इसको मैं ले लूँगा वाइट टाइगर वाले को, क्योंकि ऑलमोस्ट ये रह गई थी हमसे पिछले इवेंट में। तो अभी मैंने टॉप अप किया इसके लिए। और इधर मिल चुकी है हमारी टाइगर की टॉप वाली शर्ट, जो कि बहुत ही ओपी। और हमारा वाइट टाइगर का बंडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा मैंने निकाल लिया है। इसको जाके मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगा। फिर से डायमंड ख़त्म हो चुके हैं, मैंने 500 डायमंड टॉप किया था लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं। क्रेट्स मिले हैं, जो टॉप अप इवेंट पे क्रेट्स आए थे वो मिल चुके हैं। बहरहाल हम इधर अपना पूरा बंडल इक्विप करेंगे। ये रहा हमारा वाइट टाइगर का फॉरेस्ट बंडल। क्या यार तगड़ा है क्या। ओ भाई साहब, देख सकते हो हाथ में कटारा, देख रहे हो ये भी ली हुई है, लेकिन इसकी वीडियो शूट नहीं की थी मैंने। तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिए थे लेकिन कोई चीज़ें शो मतलब शूट की कुछ नहीं की। तो M10 इसमें बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ ब्लू वाली लेंगे हम अपनी ड्रेकी। और ओपी हो गया बिल्कुल, VIP दिख रहा है अभी, सही है। तो अभी फिर अभी हमने और भी टॉप अप करना होगा। और तो फिर से मैं टॉप अप करने के आ चुका हूँ, टॉप अप करके आ चुका हूँ। फिर से 500 डायमंड्स का टॉप अप करके आ चुका हूँ। और अभी मेरे बहुत सारे डायमंड ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। तो अभी लेंगे हम लोग फिलहाल फिस्ट को छोड़ेंगे, वो जो ग्राउंड पंच फिस्ट है उसको छोड़ेंगे, पहले अपना किंग वाला बंडल लेंगे। इवेंट पे इवेंट आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान सर्वर में एक इवेंट जाते हैं तो दो आ जाते हैं, एक जाते हैं दो आ जाते हैं। इसी वजह से हम लोग सबसे पहले आके अपना किंग वाला बंडल लेंगे और प्यारा सा इमोट लेंगे इधर। तो देखना होगा कि हमें कितने स्पिन पे मिल सकता है। ऑलमोस्ट 30 स्पिन पे हमें मिलेगा इमोट और ये किंग वाला बंडल, तो मतलब अपनी लक पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम 10 स्पिन करेंगे, हो सकता है हमें 10 स्पिन में कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए। बाकी गोल गोल कर रहा है स्पिन, देखते हैं क्या मिलता है। ओ भाई साहब, क्रेट्स पे क्रेट्स मिल रहे हैं, कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए। आई होप अच्छी सी चीज़ मिल सकती है। वाउचर मिल गया, चलो ये भी बहुत बढ़िया है यार। पिट का फूड ना दो, पिट फूड ना दो, फॉग्रमेंट्स भी ना दो, कोई वाउचर वगैरह भी देते रहो चलेगा। आई थिंक 5 हो गए, 6 हो गए, ये हो गए 7 गोल्ड रॉयल। ओ 10 पूरे ख़त्म, टाटा बाय बाय। चलो कंफर्म कर लेते हैं, इतनी खास चीज़ें नहीं मिली, 300 गोल्ड मिले। इसके बाद हमने अगेन से करना होगा एक 10 स्पिन का स्पिन। चलो कर दिया स्पिन, देखते हैं क्या मिलता है अभी। इसमें मिलेगा किंग वाला बंडल या हमें फिर से स्पिन करने होंगे। ओ भाई साहब यार, ये कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑग्रमेंट्स मिल रहे हैं, पिट फूड मिल रहा है, देख रहे हो, देख सकते हो, या तो गन्स के क्रेट मिल रहे हैं बिल्कुल। देखो क्या यार, मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ दे ही नहीं रहे, किंग वाले बंडल पे रुक ही नहीं रहा। बनी वाला मिल गया, चलो बहुत ही बढ़िया। अब फिर से 10 वाले स्पिन करेंगे यार, वो वाले बंडल नहीं दे रहा है। आई होप इसमें दे दें इमोट्स। इमोट्स 30 स्पिन पे इमोट तो कंप्लीट हो चुका है, इमोट ले लेंगे, लेकिन ये देंगे या बंडल के लिए और टॉप अप करना होगा। ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 95 डायमंड्स रह चुके हैं। 95 डायमंड्स थोड़े होंगे मेरे हिसाब से, कि किंग वाला बंडल अगर इस स्पिन में नहीं निकला तो लास्ट में निकलेगा। लग तो नहीं रहा ऐसे कि निकलेगा। इसके बाद सुपर स्पिन करते हैं, आई थिंक वो निकला है। सिंगल स्पिन से कुछ नहीं होने लगा, इसीलिए हम सुपर स्पिन करेंगे। सुपर स्पिन 39 डायमंड्स का नहीं निकला यार, वेस्ट डायमंड। एक स्पिन और हो सकता है, इसके बाद स्पिन भी नहीं हो सकता हमारा। सो ओ भाई साहब, वो कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, कंफर्म हो गया। ओ हो,
ओ भाई साहब बॉक्सर किंग बंडल हमारे मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया, और रिमोट भी मिल चुका है यार। क्या यूपी रिमोट है, रिमोट को भी जाके इक्विप करेंगे और बंडल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऑलरेडी सब डायमंड खत्म हो चुके हैं, ग्राउंड पंच रिमोट के लिए और टॉपअप करना होगा फिर से यार। क्या यार टॉपअप में टॉपअप किए जा रहे हैं। और इधर क्रेट जो के इतने सारे क्रेट्स मिल चुके हैं भाई, M1887 के भी मिल चुके हैं क्रेट्स, P90 के क्रेट्स भी मिल चुके हैं ऑलमोस्ट हमें। इधर कोई बॉक्स 41 भी मिल चुका और पाक क्वार्टर्स बॉक्स भी मिल चुका है हमें, बहुत ही बढ़िया। बनी B40 के 3 बॉक्स भी हमें मिल चुके हैं। बंडल में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किंग बॉक्सर, जी बिल्कुल किंग बॉक्सर बंडल हमें जो मिल चुका है। चलो ये भी इधर पड़ा ही रहेगा, ओपन तो करने वाला हूँ नहीं मैं इसको वैसे, लेकिन अच्छा है यार देखने में भी अच्छा है। और ऑलमोस्ट वाउचर मिल चुका है, फॉर्मेट्स वगैरह इतने सारे, दो चार ब्लूप्रिंट भी पड़े हुए फालतू में क्योंकि स्टोन है नहीं। तो आएंगे इधर अपने क्या नाम था, हमें एक वाउचर मिला था, वाउचर को यूज़ करेंगे, हो सकता है वाउचर से कुछ निकल आए, इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं, लेकिन चलो कुछ नहीं मिला, बैग जाएंगे, कुछ नहीं मिला हमें। ग्राउंड पंच के लिए हमें डायमंड चाहिए और मैंने अभी जादू करने वाला हूँ, सही है गाइस। पहले आप लोगों को मैं इधर इमोट दिखा देता हूँ, इमोट के बाद मैं एक जादू करूँगा, आप लोग देख लेना, मतलब जादू तो नहीं होगा लेकिन एक ट्रिक होगी, मैं ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ जल्दी, और आप लोगों को गिव अवे के बारे में भी बताता हूँ। लेकिन इधर मैं आप लोगों को सबसे पहले इमोट दिखा देता हूँ, इमोट चेक करना गाइस, चेक करो भाई, थोड़ा फोड़ दे और भाई 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 बिल्कुल VIP हो गया। अभी आप लोग डायमंड के ऊपर नज़र डालें और हमें डायमंड मिल चुके हैं, 1000 डायमंड हमें मिल चुके हैं, 1000 का टॉपअप मैंने कर लिया। ग्राउंड पंच के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 1142 डायमंड हो चुके हैं, 1142 डायमंड हमारे पास आ चुके हैं। तो देखते हैं इतने में हमें ग्राउंड फिस्ट इमोट मिल जाएगा या हमें और भी डायमंड का टॉपअप करना होगा। ऑलमोस्ट हमने एक स्पिन किया था 9 वाला, उसके बाद हमने कोई स्पिन उसके ऊपर नहीं किया था, अच्छा दूसरे भी किया था मैंने लेकिन वो शूट नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल इधर 99 का फर्स्ट पिन है, तो बिना किसी देरी के करेंगे अपना फर्स्ट पिन, हो सकता है हमें डायरेक्ट मिल जाए या ये बंडल मिल जाए। बंडल भी वैसे ओपी है, रोजी स्माइल बंडल, 99 के स्पिन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा। और वाउचर भाई 100 रुपये में एक वाउचर, 100 डायमंड में एक वाउचर मिले, चलो कोई नहीं, फिर से 100 डायमंड का स्पिन और AK-47 का बॉक्स, प्यारा सा एक स्पिन। और अभी 200 डायमंड में क्या मिलने वाला है हमें, और भाई साहब देख सकते हो M1887 की बेस्ट स्किन, जो हमें एक बॉक्स और फिर से एक 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 एक, ओ भाई साहब यार क्या यार, 500 डायमंड बच चुके हैं गाइस, 500 डायमंड बच चुके हैं, 500 डायमंड जो बचे हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर बंडल निकल आता तो फिर फालतू में 500 डायमंड की स्पिन करना पड़ता, क्योंकि बंडल मुझे पसंद नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो इस वजह 500 डायमंड जो बचे हैं वो मैं आप लोगों को टॉप अप करके दूंगा 500 डायमंड का। सो गाइस इधर मैं आप लोगों को ग्राउंड पॉइंट दिखा देता हूँ, फटाफट इक्विप कर लेते हैं गाइस, क्या यूपी, ओ भाई साहब बिल्कुल खतरनाक, मतलब के तोड़ दिया फोड़ दिया सब कुछ। एनीवे गाइस ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे इवेंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोगों को मैं बता रहा था ऊपर, अगर आप लोगों को पर्पल कार्ड दिख रहा होगा तो भाई मंथली मेंबरशिप और वीकली मेंबरशिप अगर लगा लो तो पर्पल कार्ड मिल जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुझे कि मैं जैसे ही मंथली और वीकली मेंबरशिप लगाता हूँ मुझे डेली के डायमंड मिलते रहते हैं, और जब कोई भी इवेंट आया तो मैं आसानी से ले सकता हूँ। अगर मेरे पास टॉपअप के लिए पैसे ना भी हो तो वो उससे ना मुझे अच्छे खासे डायमंड्स क्लेम हो जाते हैं। सो गाइज़ अभी मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखा रहा हूँ, ये वैसे जस्ट फनी क्लिप है, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डायमंड गिव अवे का। तो गाइज आप लोगों ने करना यू है ना कि अपनी यू आई डी के साथ अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, और अपना नाम, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने कमेंट्स कर देनी है। अगर आप लोगों की लक अच्छी हुई तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट UID पे टॉप अप करके दूंगा, और आप लोगों का जो व्हाट्सअप नंबर होगा मैं उधर आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि आपको ना मिल चुका है, आपका जो गिव अवे था आप जीत चुके हो, ठीक है। सो आप लोगों ने ये तीन चीज़ें कमेंट्स कर देनी, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अगर वीडियो पर न्यू आए थे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।